चंद्रयान 3 की सफलता लिए कीतियां जा रही ने भारत में अरदास बेनतियां। स्कूलों में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय दे लग रहे ने नारे। इसरो ने दुनिया में भारत का किया है सिर उच्चा। चंद्रयान 3 की सफलता लिए उठा भारत, स्कूलों में भी की जा रही है सफलता लिए कामना। जी हाँ, अज भारतीय पुलाड़ एजेंसी इसरो के चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर पहुँचने लिए हुण कुछ ही घंटे बाकी ने। तो दुनिया भर के विज्ञानियों और लोगों की नज़र इस पर बनिया हुई ने। जिथे भारतवासी चंद्रयान की सफलता लिए अरदास बेनतियां कर रहे हैं, उत्थे ही इस नूं लैके स्कूली बच्चों अंदर भी काफ़ी खुशी देखने मिल रही है। बच्चे हाथों के तिरंगे लैके भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं। इस मौके बच्चों का कहना है कि सब तो पहला तो उन्होंने माण महसूस हो रहा है कि वह भारत देश के वासी ने। तो जिहड़ा देश अज चंद्रमा ते इतिहास रचन जा रहा है और इस नूं लैके देश नूं बहुत सारे फायदे होणगे। इस नाल जिहड़े लोग भारत लई सवाल खड़े करते सन, उन्होंने मूँह तोड़ जवाब होगा। उन्होंने कहा कि भारत देश तरक्की वल वध रहा है, क्योंकि भारत दो बार फेल होने के बावजूद भी फिर तो अज चंद्रमा ते जाण लई तैयार है। भारत ने हिम्मत नहीं हारी, सगों अगे ही अगे वाधा जा रहा है। की कहना चाहते हो, पहला कदों लॉन्च होया थी, किस तरीके नाल वेखदे? जी, मेरा नाम एलन है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये लॉन्च होया उ सारे जन बहुत शक विच सी, पूरी दुनिया शक विच सी भी ये कितना हो सकता, भी कोई इन्ने घट बजट में कितना लोग भी लॉन्च कर सकते ये मिशन। पर आप प्रूव करके विखाता भी जिहड़ा रशिया ही उन्होंने भी लॉन्च किया, साढ़े तो वादा किया, पर भी उन्होंने बजट साढ़े नूं कितने ज़्यादा वध सी, फिर भी भी नाकाम हो गए। पर आप हिम्मत नहीं हारी, तो आप पूरे अपनी लगन तो मेहनत नाल आप सक्सैसफुली भी उत्थे पहुँच के विखाया मून तिकर, तो हुण अज लैंडिंग करके शाम तिकर आप प्रूव कर दांगे पूरी दुनिया नूं कि आप इंडियंस किसी तो घट नहीं हैगे, तो आप भी जे आप कुछ कोशिश करिए तो सक्सैसफुली अचीव कर सकते हैं। कितना माण महसूस कर रहे? बहुत ज़्यादा माण है, पूरी दुनिया में आप भी इंडियंस की भी खुशी मना रहे हैं कि किस तरह आप भी सक्सैसफुली लैंड करांगे मून ते, अते जे मून ते लैंडिंग हो जाती है तो साइंस दे विच ते होर कई फील्ड्स विच साडी काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी। तो इस नाल सानू भी साइंस दे विच काफ़ी सारी ओपरचुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, काफ़ी सारी नौकरियां मिलनगियां सानू भी स्पेस दे विच। पानी जे आख पॉसिबिलिटी हैगी आ भी पानी या फिर उत्थे भी कुछ भी मिनरल्स हैगे ने जिहड़े भी फ्यूल दे तरह यूज़ कर सकते हैं आप। मेरा नाम वतनदीप कौर है। मैं अज दसना चाहनी हाँ कि अगर जेकर असी अज साड़ी मून ते सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो अगे जाके साडे देश वास्ते बहुत ही गर्व महसूस है, तो साडे देश में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अगे जिदा गगनयान करना है, जिदा आप अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाग आप गाड़ी मून ते एस्ट्रोनॉट्स भेजने वो वास्ते सानू वास्ते सानू कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो आप एक अपने आप वर्ल्ड लैवल से अगे टेक्नोलॉजी विच ते स्पेस साइंस विच अगे देख सकते हो। की की फायदे होंगे? फायदे ये आ जेकर अज असी सेफ लैंडिंग करवा दें, अमेरिका रशिया ते चाइना तो बाद साडा देश चौथा इहोजा देश होगा जो सेफ लैंडिंग करवा पाऊगा मून ते। जेकर असी अज सेफ लैंडिंग करवा दें तो गाड़ी जाके जिदा नासा नूं इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स वास्ते दूसरे देश करते भरोसा करते हैं, वह साढ़े इसरो से भी यह भरोसा किया जाएगा, तो साड़ी इंडियन इकोनमी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इस नाल, तो साडा वर्ल्ड लैवल से इंडिया की पहचान होर उची हो जाएगी। कितना कमान हो रहा है? बहुत ज़्यादा। हाँ जी बेटा, की नाम है, की कहना चाहूंगा? मेरा नाम अशमित कौर है, तो मैं अज इंडिया दे विच रहने वाली एक कुड़ी हाँ, तो मैं बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि साडे देश दे विच दूजी बार जिहड़ी
चंद्रयान 3 की कोशिश है वो की जा रही है। उन्होंने जिहड़ियां पिछली बार जो भी प्रॉब्लम्स आईयां हैं उन्होंने दोबारा तो टैकल करने वास्ते जिहड़ा चंद्रयान 3 बनाया है उहदे विच जिहड़ी मैकेनिज़म आ उह इन्ना वधिया आ कि हुण 100% श्योरिटी आ कि लॉन्चिंग हो ही जाऊगी। तो अगर फिर भी अज शामी 6 बजे नहीं लॉन्चिंग होंगी तो उन्होंने कल फिर ट्राई करना है। अगर कल भी इंपॉसिबल हों उन्होंने फिर 27 ट्राई करना है, बट इनू उन्होंने सक्सैसफुल जरूर करना है। ये बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, जिमें अगर तो अजय सक्सैसफुल हो जाता है तो ह्यूमन कॉलोनीज जड़िया वा मूंद उत्ते सैटअप हो सकती हैं जिदा आप बहुत ही ज़्यादा फायदा होएगा। दूसरी चीज़ 100 मिलियन टनस पानी जोड़ा उतो आप ओबटेन कर सकते हैं। कुछ मिनरल्स आ जिमें मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, तो सिल्वर यहोजे मिनरल्स आप उतो ओबटेन कर सकते हैं जोड़े अपनी इंडिया की इकोनमी वास्ते बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो होर जोड़ा इंडिया आ वह पहला यहोजा कंट्री बन जूगा जोड़ा उत्थे लूनर सरफेस के उपर साउथ पोल के उपर सेफ लैंडिंग करवाऊगा। तो यहोजी फोर्थ कंट्री बन जूगी जी लूनर सरफेस के उत्ते सेफ लैंडिंग करवाऊगी। अच्छ बहुत ही ज़्यादा माण महसूस हो रहा है, अगर तो सेफ लैंडिंग हो जाती है तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जूगा, तो इकोनमी भी होर बिल्डअप होगी। हाँ जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। तो मैं कहना चाहता कि अज बहुत ज़्यादा गर्व का दिन है। अपनी चंद्रयान 2 की नाकामयाबी तो बाद भारत ने पिछे मुड़ के नहीं वेख्या, तो अपनी फेलियर तो सीखा है, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया। अज वो सेफ लैंडिंग होएगी आप यही सारे दुआ करते हैं, तो जो सेफ लैंडिंग होंगी है तो बहुत गर्व का अवसर होएगा क्योंकि सू बहुत सारी चीज़ा पता लगेगी। तो भारत तो पहला देश होगा जोड़ा कि धरती किदा बनी सी उन्होंने प्रूव करने वाला देश भी पहला बन जाएगा जिद को प्रूवस हो गए। तो होर भी आप मिनरल्स देख सकते हैं, आपको यह लगता कि उत्थे पानी होएगा, जो पानी लभ जाता है तो भारत तो पहला देश होएगा जो चंद के पानी लभेगा। कुछ लोग जो सवाल चुकते हैं कि किस तरीके वेखते हो, कुछ गलत बोलते हैं लोगों का? देखो लोगों का काम है कुछ कहना, अपना काम है ना सुन के उन्होंने गलत प्रूव करना। भारत के सवाल चुके जाते हैं कि इन्ना घट बजट ना कि कर लेंगे, पर हूँ भारत जिदन अज सॉफ्ट लैंडिंग कराएगी तो वह लोगों को आप दसेगी कि देखो 615 फिल्मों तो घट बजट है जी साडा, फिल्मा जिहड़ियां 100-100 करोड़ च बनदियां ने, पर 615 करोड़ ना आप चंद्रयान 3 जिथे दुनिया जान तो सोच भी नहीं सकती उत्थे लैंड कराया।